तो ट्रेन आ चुकी है। ओह माय गॉड, अल्टीमेट। तो मैं इसी गन से मजे लूँगा अभी, तो मैं इसी गन से उड़ाऊँगा, लेकिन इसके लिए मुझे बैठना होगा। और ओ नाइस, ये भैया दौड़ ले दौड़ ले दौड़ ले दौड़ ले दौड़ ले दोस्त दौड़ ले भाई भाई भाई। क्या बात है, जैसे ही इसका आवाज आता है ना, ये फैक्ट्री मिल की तरह है, तो समझ जाओ कि हाँ आप बम्बार्डमेंट होने वाली है। भैया दौड़ ले, माय गॉड माय गॉड, बिल्डिंग ही उड़ा दी। तो इन्होंने सारी बिल्डिंग ही उड़ा दी यार, अब मुझे कोई और बिल्डिंग ढूंढनी होगी। रन 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 रन। यस हाँ, मिली है मुझे बिल्डिंग और इसका मैं उठाऊंगा फायदा, फायदा उठाया जाए बिल्डिंग का। बट यहाँ से जंप कैसे करूँ भाई? ओके कोई नहीं। ओह माय गॉड, छोड़ूंगा मैं भैया, ये फिर से आके गिरेगा मुझ पे। ओके यहां से मार सकता हूँ। आजा आगे बेटा, आजा आजा आजा। अरे चल ले, भाग भाग ले भाग ले बेटा, भाग भाग ले बेटा, भाग ले भाग ले बेटा। अब एक ही बचा, बाप रे बाप, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया यार, बहुत मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। लास्ट बस लास्ट लास्ट लग जाए बस जगह पे, ये हुई ना बात। रन अब इसकी बारी, चल सो जा। नहीं ना दोस्त, अब सो जा सो जा। यस भाग जा भाग जा भाग जा भाई भाई, भागना अबे भाग। ये क्या, अच्छा उसके साथ भाग नहीं सकते हैं, ये बात है। अरे भाग क्यों नहीं रहे हैं ये लड़की? हाँ अब जाके भागी है भाई, कुछ तो मिल जाए। यस यस यस, कितने? अरे इसमें तो काम हो जाएगा भैया, आप देखो इसका, आप देखो इसकी कमाल। ये रन 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 दोस्त रन ना। अबे भाई भाग नहीं सकता यार, ये नहीं 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 नहीं, भाग ले भाग भाग ले बेटा। शिट, दैट वाज सो क्लोज मैन। चल ओके, ये हुई ना बात। चल निकल ले निकल ले, आंदे इसको आगे, आंदे आगे आंदे।
come on, come on. My god, so close. Oh, कुछ है क्या यहाँ पर? कुछ नहीं है। ओए खोतिया। चले, चले जल्दी चले भाई। ओके। अब आएगा मजा। Yes. आजा आजा आजा। जब तक तू आएगा। Yes. काफी destroy कर चुका होगा मैं तुझे। Yes. ये भाई निकल ले निकल ले निकल ले निकल ले दोस्त। अगले। उड़ा दिया क्या? बाप रे बाप। कुछ नहीं रखा भाई सच में भयानक तरीके से उड़ाया चल 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 ले लेकिन बचेगा नहीं ये टैंक आई एम डैम श्योर इधर है ओके ये ले बेटा ये उतर उतर ना भाई इतने आराम से चलेगा तो काम ही हो गया मेरे तो अपना नहीं 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 ओ बाप रे बाप रे बाप बस दो शॉट और फिर इसका काम तमाम है। Come on, yes, run, 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 दोस्त, run, 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 run. अरे भाई इधर से आ रहे हैं तो। Come on. नो अब नहीं बचूंगा लगता है भाग 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 शिट भैया दौड़ ले भैया दौड़ ले बाप रे मतलब इन्होंने मुझे खत्म करने का पूरा भाग ले दोस्त यहाँ से मार सकता हूँ। Yes, come on, run, 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 आजा 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 आजा। ये बेटा मैं मारने का मौका ही नहीं दूंगा तुझे। ये ले। Nice. I love this gun. खतरनाक गनेवा अल्टीमेट Vengeance can be a sweet or bitter brew. How did you find it, Dara? Thank you.
And you're right, we do need to think bigger, act bigger. Maybe even the Suez Canal. Tell me, what do you know about battleships? The end of the Great War saw the Ottomans driven from Arabia. Amazing graphics, bhai, dil kush, paisa wasool. Key launch remains a figure of controversy. The war for oil continues to this day. Ye to sahi baat hai. One day, all this will be over. The war to end all wars will be won by one side or the other. Guns will rust, grass will grow, and there'll be nothing left of any of this. The land will heal itself, as everything does in the end. We'll be long gone by then, but maybe not forgotten. History only remembers 1 in 1,000 of us. Then the future will be filled with stories of who we were and what we did, how we lived, how we fought, and how we died. When this is all over and the war is won, they will remember us. But until that day comes, we will stand. We will look death in the eye, and we will fight. तो दोस्तों लास्ट में हमने जो बैटल देखा वो बैटल आई थिंक मल्टीप्लेयर मोड में था और इतना ही था, काफ़ी टची था यू नो, और फिर बाद में काफ़ी जज्बाती भी था, तो अच्छा था। मैं अभी ये क्रेडिट लिस्ट तो आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली इसमें जो म्यूज़िक है मे बी वी कैन गेट कॉपीराइट स्ट्राइक अगेन, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू गेट इट अगेन एंड अगेन। So AI designers Ben Keen, okay, these guys are the most important part of this story because AI designing is very important. UX and UI designers also there, man. See, तो हर type के designer की ज़रूरत पड़ती है gaming company में। यहाँ पर अगर आपको देख रहे हो तो आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत सारी different categories है, जो vehicle artist, weapon artist, character artist, जो character design, VFX also lighting artist, 2D artist, concept artist, see. Gameplay engineering, software engineering, I mean obviously everything is depend on the software what they use to combine all the actions and keys and all other stuff and movements and blah blah blah, so many things are there. So VFX engineer, animation, say senior gameplay animators, cinematics, narrative directors, lead writer, cinematographer, assistant editor, cinematographer की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि दोस्तों आजकल जितने भी हम गेम बनते हैं ये गेम एक्चुअली बनते हैं विद द हेल्प ऑफ मोशन कैप्चर, ओके, क्योंकि जो एक्चुअल उनके फेस पर आप एक्सप्रेशन देखते हो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक थ्रू माया और मैक्स क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तो वो काम बचाने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं मोशन कैप्चर। और आजकल के जितने भी गेम आप देखोगे सारे गेम इसी टेक्निक से यूज़ होते हैं, इसी टेक्निक से बनते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव और फास्टेस्ट टेक्निक है जिससे कि हमें 101% परफेक्ट आउटपुट मिलता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये कि जो भी आप मॉडल्स देखते हो इस गेम में, स्पेशली कंसोल गेम्स की आज हम बात करें, नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग की हम बात करें, जितने भी नेक्स्ट जनरेशन गेम्स हैं इन सब में जितने भी मॉडल्स आप देखते हो ये सारे हाई पॉली मॉडल्स होते हैं दोस्तों। पहले ऐसा होता था कि लो पॉली मॉडल बना के उसके ऊपर हाईली डिटेल्ड टेक्सचर्ड करते थे और फिर वो कैरेक्टर और वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करते थे गेम में एज अ प्रॉप, तो अब ऐसे नहीं होता है। अब एक्चुअली ऐसे होता है कि हाँ कोई कैरेक्टर है, कोई मेन लीड कैरेक्टर है, तो दे एक्चुअली मेक इट लाइक वॉट वी मेक फॉर यू नो द VFX मूवीज़,
the character we make for VFX movie, the same thing they use while they are making gaming characters, who's the main character or the villain or the, you know, important character of the game, वो उनको हाईली डिटेल्ड बनाते हैं और उस पर उसी तरह का टेक्सचर होता है, देन लाइटिंग अप्लाई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. आई मीन आई एम टेलिंग यू दोस्तों कि आज की डेट में अगर इफ़ यू रियली आर लुकिंग टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ एनिमेशन, इन द फील्ड ऑफ गेमिंग, देन डेफिनेटली गो फॉर इट, गो फॉर इट. ये ऐसी चीज़ है कि यू विल इन्जॉय ईच एंड एवरी टाइम यू, आपको चांस मिलेगा कुछ नया करने का, कुछ हटके करने का, कुछ अलग करने का, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों. करना चाहिए, होना चाहिए और इंडियंस ने आगे बढ़ना चाहिए. तो मेरे दोस्तों हल्ला बोल, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर आपको इंटरेस्ट है तो इस फील्ड में आप आगे बढ़े, कुछ कीजिए, कुछ करके दिखाइए, अपने देश का नाम ऊँचा कीजिए. देखो आप देखोगे, अगर कोई भी गेम का क्रेडिट लिस्ट देख लो, आपको उसमें गिने चुने इंडियंस नज़र आएंगे, वो भी पता नहीं कहाँ पे गुम चुका है बिल्कुल भी. ऐसा क्यों है? हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है. अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है प्रॉपर गाइडेंस की. तो डेफिनेटली मैं हमारे गेम प्ले के साथ में ऐसे भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आई कीप यू गाइज अपडेटेड विद द थिंग्स, लेटेस्ट थिंग हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ गेमिंग. और अगर आपको कोई चीज़ करनी है या कोई चीज़, कोई कोर्स आप करना चाहते हैं, किसी जगह तक आप अप्रोच करना चाहते हैं, तो आई शो यू थाउजेंड ऑफ वेज कि आप कैसे वो चीज़ को हासिल कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो. और अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को देखना ज़रूर और उसी डायरेक्शन में कदम बढ़ाना, और एक दिन आपको ज़रूर 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 कामयाबी मिलेगी. मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको कोई कहता है कि क्या तू पागल बेवकूफ़ गेम खेलने में अपना टाइम वेस्ट करता है, तो डोंट लिसन टू हिम, जस्ट डू व्हाट यू लाइक टू डू. इफ़ यू आर नो हार्डकोर गेमर, इफ़ यू लाइक टू प्ले गेम, देन कीप प्लेइंग इन एट द सेम टाइम कीप ट्राइंग टू द कंपनीज. एज अ गेम टेस्टर यू गो फॉर इट. ये सबसे बेसिक लेवल की जॉब होती है जब आपको किसी भी गेमिंग कंपनी में काम करना होता है. तो आप इस चीज़ के लिए ट्राई करो, बहुत सारी कंपनीज है. गो ऑन गूगल सर्च, इफ़ यू आर लिविंग इन महाराष्ट्र, यू आर लिविंग इन आंध्रा, यू लिविंग इन MP, यू लिविंग इन नॉर्थ स्टेट्स, आपको हर जगह मिलेगी. ज़्यादातर कंपनीज एक्चुअली देखा जाए तो पुणे, बैंगलोर, मुंबई, ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है. बट फिर भी आपके भी एरिया में होगी, आप ज़रूर सर्च करेंगे तो आपको हर चीज़ नज़र आएगी, मिल जाएगी. और आपको अगर ये चीज़ पसंद है, इफ़ यू रियली लाइक टू प्ले गेम्स, इफ़ यू रियली वांट टू बी द गेम टेस्टर, देन गो फॉर इट, ट्राई फॉर इट, एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, बिकॉज़ यू गाइज़ आर नेक्स्ट जेन गेमर्स. सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, सी यू, लव यू.